हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ यू ऑल ऑफ आर डूइंग वेल सो एक बार ये बता दिए आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं क्लियर है कि नहीं ताकि आप अपना सेशन स्टार्ट करें <laughs> Morning, morning, morning to everyone.

ठीक है साथ ही साथ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन अकेडमी एक शेड्यूल आपका प्री है जो कि आपको पहले से ही पता होता है किस फैकल्टी की कितने बजे क्लास है कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है ट्वेल्व में अभी मोर देन कोर्सेज में कोर्सेज चल रहे हैं आप कहीं पे भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं ठीक है, है साथ ही साथ आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और जब आप स्पेशल क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तब आप पार्टिसिपेट uh, करते हैं किसमें लाइव पोल्स में क्लियर Eee <laughs> लाइव टेस्ट और क्विजेस अवेलेबल है आपके और इन लाइव टेस्ट और क्विजेस के बेसिस पे आप कर सकते हैं अपनी क्या डिटेल्ड रिपोर्ट की एनालिसिस ठीक है और एक पीडीएफ मटेरियल मिलता है जो कि आपका पहले से डिजाइन करते हैं आपके कौन टॉप एडुकेटर्स इफ आई टॉक अबाउट दिस सब्सक्रिप्शन ठीक है आपका करेंटली सिक्स ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर मंथ पे नो कॉस्ट ई प्लान अवेलेबल है और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो ये सारे के सारे फैकल्टियों के कोर्सेस अनलॉक कर देता है वेदर इट इज ऑफ साइंस वेदर

आज आपका ट्यूसडे है और आज आपकी क्या एनसीईआरटी की क्लास है ईवीएस एनसीईआरटी की तो दैट इज आर टीम ठीक है माय सर भवानी सिंह जादौन दैट इज मिस्टर शनी श्रीवास्तव फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड मिस्टर आयुष चौहान दैट इज फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स क्लियर सो शाल वी स्टार्ट शाल वी स्टार्ट आई एम रिकवरिंग बेटा आई एम रिकवरिंग आई कांट से आई आई एम एम फाइन रिकवरिंग सो आपकी अनीता कुशवा ठीक है अनीता कुशवा जो कि आपकी क्या है बेसिकली एक गर्ल स्टार है ठीक है एक चमकता सितारा है और गर्ल स्टार इज अ प्रोजेक्ट विच इज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है विच शोज द आउट रेजियस सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट ऑफ द गर्ल्स जिन्होंने कम पैसे होते हुए भी अपनी है ना क्या पढ़ाई को, को नहीं छोड़ा ठीक है और अपनी टीचिंग एजुकेशन के फील्ड में एक नया नाम बेसिकली गर्ल स्टार इज द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ठीक है, तो है? जिसमें आपकी कई सारी गर्ल्स के नाम है ठीक है जैसे की आपने देखा होगा एक तो वो अपनी आई किरण बेदी है ठीक है और भी बहुत सारी गर्ल्स है ठीक है एक यही है अनिता कुशवाहा एक आपका एनसीआर में एक और है सूर्यमणि भगत तो ऐसी कई सारी लेडीज है जो कि आपकी क्या है गर्ल स्टार मतलब जिन्होंने लेडीज होकर अलग से एक पहचान बनाई है ठीक है या लड़की होके अलग से एक पहचान बनाई है सोसाइटी में इस प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं क्या गर्ल स्टार क्लियर तो अनीता कुशवाहा सबसे पहला क्वेश्चन ये कहाँ से बिलोंग करती है अनीता कुशवाहा जो एक गांव है ठीक है इस गांव का नाम है क्या बोचाह विलेज ठीक है तो बोचाह विलेज ये का है मुजफ्फरपुर बिहार ठीक है तो अनीता ने किसको चाहा बो को चाहा ठीक है ऐसे याद कर लो अनीता ने बो को चाहा ठीक है तो बो चाहा विलेज मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट और इन बिहार ठीक है आपकी अनीता कुशवाहा बिलोंग करती है इज दैट क्लियर इतना क्लियर है ठीक है और अपने गांव में ये किसके साथ रहती है मम्मी पापा मदर एंड ब्रदर सॉरी मदर एंड फादर विद टू यंगर सिस्टर होगा हां जी हां जी आज ओनली ईवीएस होगा तो साइंस वाले छुट्टी ले सकते ना चो। ठीक है नेक्स्ट थिंग इज ठीक है she have done, इसने क्या किया देखो बेसिकली कहानी ऐसी है कि ये जाके बैठ गई कहाँ स्कूल में स्कूल के बाहर बैठी थी मतलब इसके घर वाले इसको पढ़ाते नहीं थे ठीक है तो स्कूल के बाहर बैठी थी तो वही कोई मिल गया वाली स्टोरी ठीक है बाहर बैठी हुई थी ठीक है देख रही थी एक बड़ी क्लास का क्वेश्चन तो बड़ी क्लास का क्वेश्चन देखा इसने बैठे-बैठे सोल्व नहीं कर पाया बोला इधर इधर आ तो डर के मारे भाग गई ठीक है तो फिर टीचर ने पूछा कौन है बोले सर ये ऐसी लड़की है ठीक है फिर वो टीचर गया उसके घर पे वो पूछता कि भैया पढ़ाते क्यों नहीं हो जो आपकी लड़की पढ़ती है तो सारे घर वाले करने लगे ठीक है, थीक है? तो ऐसे ऐसे करने लगे घर वाले तो घर वालों को है ना टीचर ने समझाया एक तो राइट टू एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में ठीक है कि जिसमें आपके छह से चौदह साल तक के बच्चों को क्या है मुफ्त की शिक्षा है एक आपको मिड डे मील के प्रोग्राम के बारे में बताया तो ये सारी चीजें इनके समझाई किसने टीचर ने तब इन्होंने भेजना चालू किया अपनी बेटी को कहा स्कूल ठीक है तो साथ ही साथ में स्कूल जाती थी तो उसको पता लगा कि भाई इतना खर्चा है मतलब स्कूल जाना है ये सब करना है तो खर्चा तो निकल नहीं पाया तो इन्होंने क्या किया अपने एरिया के बच्चों को पढ़ाना चालू किया तो और जो दूसरे कोचिंग वाले थे इससे बॉर्डर होने लगे तो एक दिन रास्ते वास्ते में रोक वोक लिया थी कहीं अगर इस इलाके में आप उनकर आ जाए क्या ठीक है ऐसे रोक वो लिया ठीक है तो बट इससे डर ही नहीं वो उन्होंने कंटिन्यू करती रही ठीक है पढ़ाने लगी कोचिंग वगैरह देने लगी सर, और स्पेस। और स्पेस। स्पेस तो कब करवाएंगे सोलर सिस्टम है साइंस साइंस में क्या हाँ तो स्लाइड में बहुत ब्रदर लिखा माता पिता भाई लिखे है ना अच्छा हाँ सॉरी सिस्टर लिख दिया मैंने यंगर ब्रदर Mata kita baik. ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया गया इनको है ना अपने एरिया में पता लगा कि एक प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम का नाम है क्या एपीकल्चर एपीकल्चर मतलब आपका बीकीपिंग एपी मतलब होता है आपका एपिस आया एपिस इंडिका ठीक है एपिस इंडिगा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बी ठीक है तो आपकी जो बीज होती है उनका वैज्ञानिक नाम क्या है एपिस इंडिगा ठीक है इसके अलावा और भी कल्चर होते हैं ठीक है एक तो अपने भारतीय कल्चर है ठीक है एक होता है आपका क्या पिसी कल्चर पिसी कल्चर होता है आपका किसका फिश रियरिंग का ठीक है एक होता है सेरी कल्चर सेरी कल्चर होता है आपका किसका सिल्क रियरिंग का और एक होता है सिल्वी कल्चर सिल्वी कल्चर होता है आपका किसका कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स का ठीक है तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर्स होते हैं ठीक है ये सर स्पेस की क्लास बस बता दीजिए कब लेंगे ठीक है स्पेस में सॉरी ठीक है आई एम टू टायर्ड बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड सर आप प्लस कोर्स में कब से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय मी दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द अनअकैडमी टीम कोर्स में कब से आऊंगा कब नहीं आऊंगा वो मैं डिसाइड नहीं करता है ठीक है तो इनको पता लगा कि इसके बारे में एपिकल्चर के बारे में और साथ ही साथ ये पता लगा जो हनी बीज है इनके एरिया में दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द लीचीज फ्लावर ठीक है लीची के फूलों की तरफ क्या है आकर्षित होती है ठीक है साथ ही साथ जब ये प्रैक्टिस कर रही थी एपिकल्चर की ठीक है मधुमक्खी पालन कर रही थी तब तो इन्हें पता लगा कि जो हनी बीज है जो आपकी मधुमक्खियां है ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है ठीक है तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है और नियर अबाउट एक जो मधुमक्खी है वो आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है और कितने देती है ठीक है That is near about 62, 600 eggs. ठीक है तो साठ 60 से 600 सौ अंडे देती है आपकी मधुमक्खिया ठीक है क्लियर है साथ ही साथ इनको पता था कि जो आपकी लीची के फूल है ये आपके कब खिलते फरवरी में खिलते ठीक है तो दे ब्लूम्स इन मंथ तो ऑफ फरवरी तो इन्होंने स्टार्ट करी क्या आपकी Uh, क्या बोलते हैं इसको एपी कल्चर मधुमक्खी पालन गुड मॉर्निंग डैम दिस कोल्ड एंड दिस नेक्स्ट थिंग इज अब इन्होंने क्या किया बी कीपिंग बट इससे इनके पास कुछ ब, मतलब जो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए इन्होंने क्या किया बच्चों को पढ़ाती रही तो जब बच्चों को पढ़ाती रही तो टीच करने पे इनको क्या पांच हजार रुपए मिले और इन पांच हजार रुपये से इन्होंने क्या दो बक्से खरीदे हर बक्से की कॉस्ट कितनी थी दो हजार रुपए बाकी के जो रिमेनिंग पैसे थे उससे उन्होंने क्या खरीदा हनी बीज के लिए शुगर खरीदा एक जी How are you today? Not, I'm not good. I'm recovering, I'm not good. I'm going through the condition of a status migranosis, And in this type of migraine, you will have headache for near about 2 3 days continuously. Ah, so, what I was telling about. तो जो बचे हुए पैसे थे उन्होंने है ना क्या दवाई खरीदी और दवा साथ ही साथ आपकी नहीं। खरी... खाई नहीं खरीदी ठीक है और दवाई खरीदी कांट सी रेड कलर वेरी गुड शब्बास क्या बात है ये तो नई इंफॉर्मेशन दे दी तुमने ठीक है तो दवाई खरीदी और साथ ही साथ आपका जो शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या सिर्फ वगैरह लिया ठीक है फिर इनको पता लगा कि भैया जो लीची के फूल है वो कब खिलते हैं ठीक है फरवरी में खिलते हैं ठीक है इन्होंने क्या किया फिर बाद में आपका दो बक्से और खरीद लिए ठीक है मतलब टोटल इनके पास कितने बॉक्स हो गए चार बॉक्सेस हो गए हर बॉक्स से पर बॉक्स से पर बॉक्स से इनको मिलता था क्या बारह के जी हनी ठीक है और अब इनके पास ठीक है हैव ट्वेंटी बॉक्सेस ठीक है और हर एक किलो हनी की कीमत जो बताई गई है वो बताई गई है क्या पैतीस रुपये ये एनसीआरटी ने बताया मतलब ऐसा नहीं होता कि एक किलो हनी की आपकी कीमत कितनी होती है पैतीस रुपये होती है ठीक है एन में बताया कि एक किलो हनी की कीमत कितनी है पैंतीस रुपए तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बना के दे सकते हैं ठीक है नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आपका राइट टू एजुकेशन ठीक है राइट टू एजुकेशन में आपका ये जो राइट टू एजुकेशन है ये आया था आपका आर्टिकल ये क्वेश्चन आ चुका है अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में आया था अनुच्छेद था छियासी आर्टिकल था आदि ट्वेंटी ए ठीक है तो 21 ए और ये आपका अमेंडमेंट था 86 2000 का 2 का ठीक है तो याद रखना ये ये चीज याद रखना सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि राइट टू एजुकेशन कब आया था तो 2007 वाला 2010 वाला मत ठोक देना ठीक है सबसे पहले ये आया था आपका 2002 में ठीक है अमेंडमेंट संशोधन था 86 अनुच्छेद ए आया था आपका 2002 में अरे बेटा वो एनसीआरटी के अकॉर्डिंग बताया गया वहां पे मिलता होगा अपने यहाँ नहीं मिलता जैसे अगर तुम चली जाओगी अः कैरल तो कैरल में काश नट काश नट मतलब कैश्यू नट जो है वो आपके बहुत सस्ते है भैया यहाँ नहीं है काजू सस्ता है। नहीं सही था बिल्कुल सही था योग्यता था मैं कब मना कर रहा हूँ गलत था स्पेस की क्लास कब लेंगे भाई स्पेशल क्लास में पढ़ा दूंगा दीप्ति पढ़ा दूंगा पूरे यूनिवर्स पढ़ा दूंगा स्पेशल क्लास में ठीक है तो अगर कभी भी कोई भी पूछे कि भैया जो शिक्षा का अधिकार कौन से सन में आया था भाई सबसे पहले 2002 में आया था ठीक है 2007 में वो राइट टू कंपल्सरी फ्री है कंपल्सरी लग गया राइट टू एजुकेशन नहीं है वो क्लियर है हाँ चार क्लास भी हो गई छुट्टी नौ साथ ही साथ आपकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने स्टाल किया क्या मिड डे मील प्रोग्राम ठीक है और ये आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगलाइज कर दिया सेंट्रलाइज कर दिया 2001 से सबसे पहला जो स्टेट था आपका मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला वो था क्या आपका कौन तमिलनाडु क्लियर है इतना क्लियर है मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है बिल्कुल सही जवाब अभी थोड़ी देर में वो भी आएगा ठीक है ना मधुमक्खी ठीक है एक मधुमक्खी के छत्ते में कौन कौन हुई थी एक तो मधुमक्खी के छत्ते में होती है कौन क्वीन बी रानी मक्खी जिसका काम क्या है ये अंडे देती है एक होते हैं कौन ड्रोन्स ड्रोन्स होते हैं आपके कौन मेल बीस ठीक है जो क्या करते ऐश काटते होती है कौन फीमेल भी जिनको हम बोलते हैं वर्कर ठीक है इनका काम होता है सारा काम ठीक है छत्ती की सुरक्षा से लेके शहद लाना शायद, वो सॉरी फूलों का रस लाना शहद बनाना रानी की सुरक्षा करना ठीक है स्पेशल टाइम का डांस दिखाना जब इनको मधुमक्खियों को रस मिल जाए तो तो ये डांस दिखाती है बड़ा प्यारा सा डांस दिखाती है ठीक है मेरे को आता नहीं है और न मैं दिखा देता ठीक है तो ये सारा काम होता है किसका फीमेल भी इसका ठीक है थीके? और ऐसी ही सेम कॉलोनी ऐसी ही सेम कॉलोनी आपकी होती है किसमें एंड्स में चीटियों में ठीक है वैस्प में ततैया में और आपके टर्माइट्स में दीमक में ठीक है उनके अंदर भी क्वीन टर्माइट क्वीन एंड क्वीन वेस्ट मेल आ, मेल एंड मेल वैस्ट मेल टर्माइट फीमेल वैस्प फीमेल टर्माइट फीमेल एंट्स ऐसी सेम कॉलोनीज उनके अंदर भी देखने को मिलती है क्लियर hmm. है इन मेल्स को ठीक है कुछ नहीं किया जाता है, इनको बस खिलाया पिलाया जाता है मस्त आराम से ठीक है आराम से खिला पिला के जब अः मीटिंग सीजन आता है मतलब मीटिंग सीजन कब आता है जब आपका आ जाता है क्या जनवरी फरवरी अक्टूबर से दिसंबर तो मीटिंग रहती है इनकी अक्टूबर से दिसंबर से पहले दैट इज इन सेप्टेम्बर में ठीक है तो मेटिंग जब कर लेते हैं तो मेटिंग करने के बाद ये क्या देते हैं आपके अंडे देते हैं ठीक है तो एक बार मेटिंग कर ली किसी भी मेल ने उस मेल को छत्ते से लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है दिया जाता है ए, चिच, चिच, से, हो गया ना काम चत, निकल ठीक है और फिर इस मेल को इस छत्ते में एंट्री नहीं दी जाती जिसकी वजह से इसको कोई काम करना तो आता नहीं बेचारा ये मेल भूखा प्यासा मर जाता है और इसे और किसी छत्ते में एंट्री भी नहीं दी जाती ठीक है इज क्लियर क्लियर तो मेल की कोई औकात नहीं है ठीक है नेक्स्ट चैप्टर इज वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की वादी वैली ऑफ फ्लावर्स ठीक है तो वैली ऑफ फ्लावर्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए एक मिनट ये कहां से आ गया जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट ओ ओ इधर उधर हो गया है <laughs> अनता बीस के पास यही चैप्टर है वैल्यू ऑफ फ्लावर ना ना, ना ना कुछ तो अलग है कुछ तो है दया कुछ तो गड़बड़ है अनिता एंड द बीस के बाद कौन सा चैप्टर है जरा देख के बताएगा कोई कुछ तो है दया Hmm. वही तो वही तो हमें लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है दया कहा वो चैप्टर जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट अब ठीक है ना अब बताया गया है कि जो आपकी मधुमक्खी होती है जब वो आपको काटती है तो वो आपके अंदर सर ये सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दो दे तो चुका बेटा ये और कैसे बांगड़ा मिस्टेक कर रहे हैं ठीक है तो जब ये आपकी मधुमक्खी आपको काटती है तो ये जब आपको काटती है तो आपके अंदर एक एसिड छोड़ के है जाती है इस एसिड का नाम है मिथोनोइक या फिर आप इसका दूसरा नाम भी डाला जा सकता है फॉर्मिक एसिड तो मिथोनॉक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल आपके अंदर छोड़ती है ठीक है और जब ये आपको काटती है तो उस जगह अब एसिड काट एसिड ने काटा है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम होता है किसका बेस का ठीक है शारक का ठीक है तो इस जगह पे हम शारक की तरह यूज करते हैं क्या चूना ठीक है तो चूने को यूज करते हैं ताकि आपकी इस एसिड की रिएक्शन को कम किया जा सके इज दैट क्लियर नेक्स्ट थिंग इज हनी के बारे में बताया गया कि जो आपका हनी है इस हनी के अंदर शहद के अंदर टोटल सेवेंटी परसेंट आपका क्या होता है शुगर होता है इस सेवेंटी परसेंट में से थर्टी एट परसेंट आपकी होती है क्या ठीक है और फ्रक्टोजी होती है आपकी क्या ग्लूकोस ठीक है तो हनी आपका काफी सारी चीज में रिच होता है ठीक है इसमें और भी शुगर होती है इसमें माल्टोस सुक्रोज अदर शुगर भी होता है बट मैक्सिमम क्वांटिटी में इसमें होते हैं आपके क्या फ्रक्टोज और ग्लूकोस क्लियर क्लियर है नेक्स्ट चैप्टर है उमाना जर्नी फ्रॉम द विंडो और रीचिंग ग्रांड मदर हाउस ठीक है तो ये तीन चैप्टर है जो कि एक ही लड़की की कहानी पे लोकेटेड है ठीक है उसका नाम है क्या उमाना उमाना जो कि गांधी धाम गुजरात से आपका केरल में ट्रेवल कर रही है ठीक है तो गांधी धाम टू जा रही है ये कहा केरल में ठीक है तो उमाना की जर्नी स्टार्ट हुई गांधी धाम कच्छ से ठीक है अब जब ये रास्ते में चलती गई तो इसे कौन कौन से आपके स्टेशन पड़े इसे पड़े क्या अहमदाबाद पड़ा अहमदाबाद इन इज गुजरात वलसाद पड़ा ये भी कहा है गुजरात में ठीक है मड़गांव पड़ा मड़गांव कहाँ है आपका गोवा में ठीक है उड़ीपी पड़ा ठीक है इट इज नॉट उड़ीपी एनसीआरटी में लिखा हुआ है उड़ीपी वैसे उडुपी है उडुपी आपका कहाँ है कर्नाटक में ठीक है रत्नागिरी पड़ा रत्नागिरी कहाँ है आपका महाराष्ट्र में ठीक है कोजीकोड और कुट्टम पड़ा और कोजिकोड और कुट्टयम कहा है केरल में ठीक है तो ये आपके काफी सारे इसको स्टेशन पड़े साथ ही साथ आपका चैप्टर में बताया गया है कि गोवा से केरल के बीच में ठीक है गोवा से केरल के बीच में टोटल दो हजार ब्रिज और बयानवे टनल है ठीक है तो गोवा से केरल के बीच में दो हजार ब्रिज और बयानवे टनल है ठीक है और जब गुजरात से केरल आपका चर... जाते हैं तो आपका कौन कौन सी रास्ते बढ़ते मतलब कौन कौन से स्टेट आते हैं एक आता है महाराष्ट्र एक आता है गोवा एक आता है क्या कर्नाटक ठीक है फिर ट्रेन आपकी जो उड़ुपी से पहुंची कहा कोजिकोड ठीक है कोजिकोड को आपका क्या बुलाते हैं ठीक है, है? कोजिकोड जो है कोजिकोड को ही आप बुलाते हो क्या आज के टाइम का क्या कैलीकट जो कि आपका कहाँ लोकेटेड है सदन कोस्ट ऑफ uh, uh, मतलब सदन हिंदी में दक्षिणी तट पे किसके मालाबार कोस्ट के ठीक है तो दैट इज लोकेटेड इन दक्षिणी तट ठीक है ये आपका यहाँ लिखा हुआ है बट दिख नहीं रहा इस फ्रेम की वजह से तो कोजिकोड इज नोन एज ऑल्सो नोन एज कैलीकट ठीक है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कोजिकोड किसे बोलते है? किसे कहा जाता है कोजिकोड हा जी लेंगे ठीक है इज क्लियर नाउ अब रास्ते में जब ये जा रही थी ठीक है तो इनको अलग अलग टाइप की लैंग्वेज सुनने को मिली तो मलयालम सुनने को मिली कहां पे के, केरल में कोंकणी आपकी सुनने को मिली गोवा में मराठी सुनने को मिली महाराष्ट्र में गुजराती सुनने को मिली गुजरात में कन्नड़ा सुनने को मिली कहाँ कर्नाटका में ठीक है साथ ही साथ आपको इनको डिफरेंट टाइप के खाने देखने को मिले ढोकला मिला ठीक है लेमन राइस मिले खंड भी मिला कहाँ गुजरात में फिश करी और सी फूड मिला गोवा में उत्तपम मिला कहाँ तमिलनाडु में पूरनपोली पोली भाजी मिली महाराष्ट्र में इडली डोसा मिला कहा केरल में नीर डोसा मैसूर पाक मिला आपका कर्नाटक में ठीक है तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट फूड्स ठीक है तो इनके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आते हैं स्वीटी बेटा तुम मेरी बेबी हो क्या बात है जय करने आया हो पढ़ने नहीं हो कोई बात नहीं कर लो तुम बेबी बेबी ठीक है जब दिखेगा ना क्वेश्चन और ना समझ में आएगा तब याद आएगा कि काश पढ़ लिया होता है ठीक है फिर साथ ही साथ आपको टीटी -टी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो टीटी दैट इज ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ठीक है तो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ठीक है तो टीटी -टी का फुल फॉर्म क्या है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ममता गुड मॉर्निंग संदीप <laughs> और क्या आते हैं वो तो उमाना ने छत्तीस घंटे में अपनी जर्नी कंप्लीट करी यस वेरी गुड ठीक है आपको एक बताया जाता है क्या एक विंडो टिकट या फिर इसी विंडो टिकट को अपन बोलते हैं क्या रिजर्व टिकट आपसे पूछा जाता है एक रिजर्व टिकट में क्या चीजें होती है या फिर क्या चीजें नहीं होती ठीक है तो एक विंडो टिकट में आपका ट्रेन नंबर होता है ठीक है ट्रेन नंबर ये दिया हुआ आपका ट्रेन नंबर ठीक है पी स्टेटस होता है ये दिया गया पी स्टेटस डेट ऑफ ट्रेवलिंग ये दी गई ठीक है नेम ऑफ द ट्रेन यहाँ लिखा रहता है कहीं पे नेम ऑफ द ट्रेन पश्चिम एक्सप्रेस ये लिखा हुआ है ठीक है फेयर किराया ये लिखा हुआ भैया किराया ठीक है सौ रुपया ठीक है नंबर ऑफ पीपल कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं नंबर ऑफ पीपल यहाँ लिखा रहता है भाई कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं ठीक है यहाँ से कैलकुलेट कर लेना कितने कोच नंबर सीट नंबर बर्थ पोजीशन ये लिखा हुआ कोच नंबर सीट नंबर बर्थ पोजीशन ठीक है कौन सी श्रेणी है ठीक है ए क्लास है बी क्लास है सी क्लास है कौन सी श्रेणी में जा रहे हो ठीक है यहाँ लिखा रहता है कहीं पे श्रेणी इस साइड में ठीक है देन आपका डिस्टेंस uh, इन किलोमीटर ठीक है डिस्टेंस इन किलोमीटर की भाई कितनी दूरी ट्रैवल करनी है ये भी लिखा रहता है इस साइड कहीं लिखा रहता है ठीक है इज डिपार्चरिंग है। है? और departing time, है ठीक है डेस्टिनेशन पॉइंट सारी चीज ये सब लिखी रहती है बट जो mention नहीं होता वो रहता है आपका पैसेंजर ठीक है तो नेम ऑफ पैसेंजर आपका यात्री का नाम मेंशन नहीं होता सर आप मैप वाले क्वेश्चन कब कराएंगे प्लीज बताइए नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट टर्न मतलब नेक्स्ट ईवीएस वाले टर्न पे केवल छह जगह के याद रखने खाना वाना 2000 भाई गोविंद दिल्ली 2000 ब्रिज एनसीआरटी ने 2000 हजार बताया अपन अगर जाए दो पढ़ पड़ जाए तो भाई क्या कर सकते हैं एनसीआरटी से लड़ने थोड़ी जाएंगे ठीक है तो याद रखना है एक टिकट पे आपकी कौन सी चीज मेंशन नहीं रहती दैट इज आपकी नेम ऑफ पैसेंजर बट यही अगर ई टिकट होता ई टिकट मतलब जो आप इंटरनेट के थ्रू कराते हो तो ई टिकट में आपका नेम ऑफ पैसेंजर भी आपका क्या रहता है मेंशन रहता है क्लियर है आगे बढ़े ठीक है सर आप लड़ लो आप किसी का भी जीत सकते हो किससे लड़ो भाई क्या लड़ू किस बात पे लड़ू इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि लड़े चलो नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट आपका बताया गया एक गेम के बारे में जिसको हम बोलते हैं ठीक है तो इस होतुतु के बहुत सारे नाम होते हैं ठीक है इसको होतुतु भी बोला जाता है ठीक है इसको कबड्डी भी बोला जाता है तो तमिलनाडु दक्षिण साउथ इंडिया में आप बोलते हैं क्या होतुतु ठीक है नॉर्मली अपन बोलते हैं क्या कबड्डी ठीक है फिर हा डू डू ये आपका बोला जाता है बांग्लादेश में ठीक है

बारह प्लेयर होते हैं है? हाँ टोटल बारह होते बट ऐसे नहीं बताना बारह प्लेयर होते सात प्लेयर होते ऑन द ग्राउंड जैसे कि क्रिकेट में टोटल पंद्रह होते हैं बट अपन बोलते क्या ग्यारह की टीम है आई थिंक यू आर वेरी टायर्ड आई एम वेरी मच नॉट आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक एंड इंटेंस हेडेक ठीक है तो बेसिकली इस गेम में आपके टोटल टोटल आपके बारह प्लेयर होते हैं बट ऑन द कोर्ट केवल सात प्लेयर खेलते हैं ठीक है तो दैट इज आपका सेवन प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड तो कभी भी आपसे कोई पूछे कबड्डी के खेल में कितने प्लेयर होते हैं तो सात प्लेयर ठीक है बाकी आपकी तीन सिस्टर्स है जिनका नाम है क्या है ज्वाला लीला और हीरा ठीक है इन तीनों को हम मायंकर सिस्टर के नाम से जानते हैं मायंकर सिस्टर मायंकर बहने और ये मायंकर सिस्टर मायंकर बहने जो है ठीक है इन्होंने बेसिकली प्रमोट किया किसे कबड्डी गेम को ठीक है तो आपसे ये पूछा जा सकता मायंकर बहने किस गेम से एसोसिएटेड है आंसर इज कबड्डी नी है स्वीटी इधर आपने बता दिया उन्हें कौन बोल रहा ठीक है, so है, है आपको बताया गया, के बारे में, जिनके में गया कि ये आपकी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है ठीक है तो आपसे एक इनके बारे में क्वेश्चन आता है चार स्टेटमेंट लिख दिए जाते तो उसमें एक स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था कि राजस्थान की रहने वाली है भाई राजस्थान नहीं आंध्र प्रदेश की रहने वाली है ठीक है और ये अपने फादर और चार बहनों के साथ रहती है जो कि आपकी वेट लिफ्टिंग भी करती है ठीक है बारह साल की उम्र से इन्होंने ट्वेल्व इयर्स की थी तब से आपकी इन्होंने वेट लिफ्टिंग चालू करी ठीक है और अब ये आपकी एक सौ तीस किलो तक का वेट उठा सकती है इनके पास उनतीस अंतर पदक है और इनका नाम फेमस हुआ तब जब इन्होंने ओलंपिक दो में जीता क्या कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल इन द फील्ड ऑफ वेट लिफ्टिंग ठीक है तो दैट्स हाउ फेमस शीतल बेटा पढ़ ले तुम अच्छा तुम ना पढ़ो बस बाकी सब पढ़ ले गोटी बेटा बदमाशी नहीं एक सौ तीस बेटा एक सौ एनसीआरटी जो बोल रही है ठीक है एन जो बोल रही है आपको उसी को ही फॉलो करना है वो तो करंट स्टेट में है डेबिट का डेबिट कार्ड खत्म हो गया है सोच रहा रिचार्ज कर ले एक सौ सीट तो वो उठा लेती है मैं हर चीज में बोलता हूं कि कर तो इतना लेती हैं बट आपको एनसीआरटी फॉलो करनी है सर बछिंद्री पाल के गुरु का नाम क्या है बचेंद्री पाल के गुरु का नाम है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह Clear? चलो नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक इज द वैली ऑफ फ्लावर्स ठीक है वैली ऑफ फ्लावर्स आपका बताया गया है किसके बारे में चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट आपकी बेसिकली एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को द्वारा प्रपोज करी गई ठीक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है टोटल आपके पास 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिनमें से एक है आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट ठीक है ये आपकी आ, फेमस है किसके लिए फूलों के लिए और यहाँ पे आपका एक फूल भी मिलता है जिसको हम बोलते हैं नारी लता ठीक है ए डेविड तो बता रहा डेविड बेटा क्या लिख रहा है ठीक है तो आपके कई जगह आपके फ्लावर्स के अदर यूज भी होते हैं जैसे कि महाराष्ट्र में सहजन के फ्लावर की, की आपके बनाए जाते हैं क्या पकौड़े ठीक है शेफ अलेगा के फ्लावर की, की चटनी बताई जाती है रोज और सेडार के फ्लावर की, की मेडिसिन बनाई जाती है ठीक है नहीं बहुत सारे फ्लार के बारे में बताया बट आपको सारे फ्लार नहीं याद रखने हैं आपको बस याद रखना है अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट इत्र अबाउट चमोली सर ग्रुप में एक क्वेश्चन डाला है उसे भी डिस्कस कर लेंगे ठीक है कर लेंगे डेविड की उम्र निकल गई है ना इसलिए सबको बेटा बुला रहा है उसका बस न चले हमें भी बेटा बुला ले उनको पता नहीं हम कौन है ठीक है तो फ्लावर्स आर यूज फॉर मेकिंग आपका इत्र ठीक है क्लियर है नाउ अब आपकी बेसिकली इत्र के बारे में बताया गया है कि इत्र क्या होते हैं कि आपके फ्लावर का क्या होता है प्योर एक्सट्रैक्ट होता है शुद्ध अर्क होता है ठीक है शुद्ध अर्क मैं तुम मुझे नहीं बताओ मैं भी अच्छी अच्छी पोस्ट हो ही हिंदी तो लिखना सीख ले भाई तब तो हुई हुई और कोई कोई करे सर क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी टेलीग्राम पे मिलेगी ठीक है तो प्योर एक्सट्रेक्ट आपके किसका फ्लार का जिसको हम बोलते हैं क्या इत्र और आपका जो इत्र है ये आपका दो जगह बहुत फेमस है इत्र बनाने के लिए एक है कन्नौज ठीक है एक तो कन्नौज और दूसरा है आपका ग्रासे ठीक है तो एक तो है कन्नौज और दूसरा है आपको ग्रास से ठीक है तो कन्नौज आपका यूपी में फेमस है ग्रास से आपका फ्रांस पेरिस में फेमस है तो कन्नौज को बोला जाता है आपका क्या द कैपिटल सिटी ऑफ कैपिटल परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया और ग्रास को बोला जाता है आपका कैपिटल परफ्यूम सिटी ऑफ द वर्ल्ड ठीक है क्लियर है सभी को क्लियर है ठीक है चलो केवड़ा केवड़ा पानी पानी क्या होता पानी है वाटर को अपन बोलते हैं ठीक है ना इसी चैप्टर में आपको बताया कि गुलाब जल कैसे बना ठीक है तो आपको क्या करना है इक्वल इक्वल आपका रोज वाटर को ठीक है जैसे आपने सपोज करो चार एम रोज वाटर लिया तो चार एम आपको लेना है क्या अगले श्री ठीक है और इनको एक बोतल में फिल कर दो उसमें दो तीन ड्रॉप आपकी क्या मिला दे लेमन जूस मिला दे ठीक है और इसको यूज करे किसमें विंटर में या आपकी त्वचा को क्या रखेगा सॉरी सर बट ये डेविड डिस्टर्ब डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन रही है अरे बोलने दो बिचारक क्या करेगी जिंदगी से परेशान लोग ऐसे ही होते हैं कहीं नहीं तो कहीं मुंह मार ले ठीक है तो रोज और ग्लिसरीन के इक्वल इक्वल पार्ट्स मिलाए उसको एक बॉटल में ले उसमें दो तीन ड्रॉप मिला दे क्या लेमन जूस ठीक है तो लेमन जूस मिला दे ठीक है नींबू का रस मिला दे और आपका बन जाएगा क्या आपका रोज वाटर और ये आपका मॉइस्चराइजर की तरह यूज होता है ठीक है क्लियर तो वैली ऑफ फ्लार में ही आपकी एक फेमस पेंटिंग है जिसको हम बोलते हैं मधुबनी ठीक है मधुबनी पेंटिंग लुक लाइक दिस ठीक है तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया गया है कि मधुबनी जो पेंटिंग है बेसिकली इसे बनाने के लिए आपका क्या सब नेचुरल कलर्स यूज होते हैं ठीक है जिसमें आपका पीले रंग के लिए हल्दी यूज होता है नीले रंग के लिए नील यूज होता है और अदर कलर्स आपके फ्लावर से लिए जाते हैं बाकी इस पेंटिंग को बनाने के लिए चावल के पेस्ट को तैयार किया जाता है और इसी चावल के पेस्ट में कलर बनाए जाते हैं मधुबनी आपका एक जिला है कहा का बिहार का और वहां की एक फोक आर्ट है ठीक है एक लोक कला है जिसको हम बोलते हैं मधुबनी तो जब कोई त्योहार होता है कोई भी है ना समारोह वगैरह होता है तो लोग अपने घरों की दीवारों पर ठीक है बनाते पेंटिंग इन पेंटिंग को बोलते हैं मधुबनी और इस पेंटिंग के अंदर फूल पौधे जानवर लोग आदि ये सारी की सारी चीजों को क्राफ्ट करते ठीक है क्लियर सो दैट मधुबनी नहीं अनुराग मधुबनी लिट्टी चोका देखो खाने की खाने की चीज पहले याद आती है तुम लोगों लिट्टी चोका भूख लग गई थी सर बहुत बढ़िया गाना बिगा तो आ, आ रहा हिले छपरा हिले सर वर्ड नोट क्लियर अरे तो वर्ड क्या करना मैं बोल के तो बता रहा हूं अंजलि वर्ड चाहिए तो वर्ड ये पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से ठीक है ना आपकी फिर नेक्स्ट टॉपिक है एक रिवर टेल ठीक है रिवर टेल के बारे में आपका ये बताया गया है कि जब आपकी रिवर माउंटेन से होते तो हुए नदियों तक आती है ठीक है और समुंदर में जाके मिलती है तब तक ये काफी जगह से कंटामिनेट भी हो सकती है कंटामिनेट मतलब संक्रमित भी हो सकती है और कई जगह से पोल्यूट भी हो सकती है पोल्यूट मतलब प्रदूषित भी हो सकती है तो कंटामिनेटेड वाटर से होने वाली डिजीज होती है आपकी कौन सी हैजा हो गया टाइफाइड हो गया ठीक है डायरिया दस्त हो गया पोल्यूटेड वाले, वाले वाटर से होने वाली डिजीज है मिनामाता हो गई इताई इता हो गई ये आपकी सारे के सारे आपकी क्या है सर जी मधुबनी से एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में अच्छा कॉन्ग्रेचुलेसन फिर से डेविट ने टाइप किया भाई पी होगा सुबह सुबह रेपुटेड रप, पोस्ट पे वो ऐसा लग रहा है मैं ब्लॉक नहीं कर सकता ना बेटा वो तो अनेक चैनल वाले ब्लॉक कर सकते ठीक है So that is आपका पानी आपका क्या हो सकता है संक्रमित तो हो सकता है प्रदूषित तो हो सकता है अब इन संक्रमित तो और प्रदूषित जलों को बेसिकली ठीक करने के लिए हम दो तीन विधि यूज करते हैं या तो हम उबालते हैं या फिर हम केमिकल केमिकल्स में हम डाल सकते हैं क्या क्लोरीन रसायन डालते हैं ठीक है, है? अबे इतना ज्यादा खौफ है तो मैं तुम टाइप करके डिलीट कर दे तो ठीक है या फिर आप मल्टी स्टेजेस आपका क्या कर सकते हो आरओ का फिल्ट्रेशन कर सकते हो साथ ही साथ अगर आपके पानी के अंदर कोई अशुद्धि है तो आप इसमें मिला सकते हो क्या फिटकरी फिटकरी क्या करती है अशुद्धियों के साथ बाइंड करके आपका नीचे की तरफ बैठ जाती है इस तरह से ही आपके पानी को क्या करती है शुद्ध करती है तो दैट इज अबाउट दिवर्टेल ठीक है तो दैट इज अबाउट रिवर टेल ठीक है पहाड़ों से समुंदर तक, क्लियर है आरो वाटर क्यों अच्छे नहीं होता बिकॉज़ आरो वाटर पानी का टीडीएस कम कर देता है ठीक है तो पानी का टीडीएस कम हो जाएगा तो दैट मींस आपका पानी के अंदर के मिनरल खत्म हो जाएंगे और आपकी बॉडी को मिनरल की आवश्यकता होती है आप प्योर वाटर नहीं पीते आप डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं पीते आप मिनरलाइज वाटर पीते हो टीडीएस so, तो कंट्रोल कर सकते हैं आरओ से नहीं आपके पानी की टीडीएस होनी चाहिए आपकी कितनी कितनी होनी चाहिए कहा है? डेबिट तेरा क्लियर है भाई तुम्हारा क्लियर है कोई एग्जाम जिंदगी जीवन में क्लियर किए हो डेबिट जो यहां सबको ज्ञान बांटने चले हो ठीक है तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ द टीडीएस शुड बी थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड एंड इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन फाइव हंड्रेड ठीक है ये स्टैंडर्ड है तीन सौ से चार सौ ठीक है आपके पानी का सेट होता है जैसा से एक सौ सत्तर एक सौ बीस ठीक है तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ आपका टीडीएस जो होना चाहिए वो तीन सौ से चार सौ के बीच में होना चाहिए तो रखवा लेना इतना तीन सौ से चार सौ अगर रख पाओ तो क्योंकि आरोप करते ही नहीं है इतना चलो इज दट क्लियर तो ये थी आपकी आज की क्लास ठीक है आई कॉन्ट गो ऑन फर्दर ठीक है देड इज एक्टिंग ठीक है सो इफ यू वॉन्ट दिस पी डी एफ ठीक है यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल ठीक है सो लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब द वीडियो ठीक है और यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ऑन दिस ग्रोप मेरे को हॉस्पिटल जाना है तो जाओ भाई नाचो हाँ नेक्स्ट थिंग इज आज शाम को क्या टॉपिक पढ़ना है बता दो भाई वरना तुम नाटक करो हाय कर मचा दो सर पानी का पीएच कितना होता है प्योर वाटर का पीएच होता है सेवन टैप वाटर का होता है सेवन पॉइंट टू आज शाम को क्या बढ़ना है स्पेशल क्लास में बता दो भाई चलो तो फिर मिलते हैं शाम को टिल देन हैव है नाइस डे